बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे बीच में विराजमान बरखेड़ी के परम सम्माननीय श्रद्धे पंडा जी महाराज, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महोदय, नारायण सिंह जी माननीय भूतपूर्व सांसद महोदय, माननीय विधायक पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी जी, पुरुषोत्तम दांगी जी, विजय सिंह जी और जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला परिषद की माननीय अध्यक्ष जिनका की ये गृह नगर है, उपस्थित सभी आदरणीय देवी और सज्जनों, मुझे लोग बताते हैं कि भाजपा ये कह रही है कि ये चुनाव दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर जी के बीच में नहीं है, ये मोदी जी और दिग्विजय सिंह के बीच में है। ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? लेकिन हमारा तो कहना है, बात यह है, दो लोकतंत्र में दो प्रणालियां होती हैं, एक संसदीय प्रणाली, एक राष्ट्रपति प्रणाली। राष्ट्रपति प्रणाली में जो कि अमेरिका में है, फ्रांस में और जगह है, वहां राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है और हर मतदाता राष्ट्रपति को वोट देता है। लेकिन संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के लिए कोई वोट नहीं देता, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के, जनप्रतिनिधि के लिए वोट देता है। इस बात को समझ जाइए। हमारे यहां बताइए, संसदीय प्रणाली है कि राष्ट्रपति प्रणाली है? संसदीय प्रणाली में वोट किसको मिलता है? प्रत्याशी को। जो यहां से चुनाव लड़ रहा हो उसको वोट दे रहे हो आप, तो मोदी जी कहां बीच में आ गए? ये बात ये है कि इनके तो सोच समझ में ये हो गया है, कुछ मत करो, कहीं जाने जाने की जरूरत नहीं है, मोदी जी है ना, ईवीएम मशीन है ना जीता जी, वही 10 साल से राजगढ़ के मतदाताओं से हो रहा है, न आओ न जाओ, अपना जुगाड़ फिट करो और काम चलाओ। अब आपको तय करना है कि कौन आपका प्रतिनिधि हो, जो कि संसद में आपकी लड़ाई लड़े, आपके हक की लड़ाई लड़े, आपकी दिक्कत परेशानियों की लड़ाई लड़े। महंगाई क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? खाद का दाम क्यों बढ़ रहे हैं? फसल बीमा में हमारा पैसा क्यों नहीं मिला? हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना में गांव का 1.25 लाख और शहर को 2.5 लाख, ये क्यों है? ये सारे प्रश्न कौन पूछेगा? आप जब भेजोगे तब ना। तो बात वही है कि बात वही है कि हमें 4.5 लाख का गड्ढा दिया ईवीएम मशीन, 4.5 लाख का। हर पोलिंग बूथ पर जब तक 100 वोट नहीं बढ़ाओगे बात नहीं बनने वाली, अगर ईवीएम से हुआ, और उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, हमारा संगठन जिला प्रदेश, यह दिल्ली का अखिल भारतीय प्रदेश, जिला, ब्लॉक, नगर, मंडल, सेक्टर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बीएलए पोलिंग एजेंट। यह अपने बीएलए कौन है? पोलिंग एजेंट कौन बने थे? संबंध रखना है। गुजर आओ, ये तीनों लोग जो हैं, हम सबकी लड़ाई ये लोग लड़ते हैं।
गालियां खाते हैं, धौंस पड़ती है, पुलिस की धमकियां मिलती है, लेकिन बहादुरी के साथ लड़ते हैं। हाथ उठाओ, हाथ से हाथ मिलाओ, ये लड़ाई लड़ते हैं, इसका हम पूरा सम्मान करते हैं लोगों का। ये लड़ाई हमें पोली बूथ पे लड़ना है। बहुत मैंने सोचा इस मामले में क्या करें, फिर मैंने देखा कि आरएसएस जो है बड़े होशियारी से चुनाव लड़ती है। कभी कुछ ने कोई आंदोलन किया क्या संघ ने, कोई आम सभा करी क्या, कोई चुनाव प्रचार किया क्या? वो 24 घंटे 365 दिन हर दिन चुनाव के समय, नहीं चुनाव के समय भी और उसके पहले भी कानाफूसी करते हैं। क्या करते हैं कानाफूसी? मेरे घर आएंगे, देखिए सिंह जी आप बहुत महान आदमी, बहुत जबरदस्त आदमी, लेकिन ये चंद्र सिंह को आपने क्या बना दिया? ये तो बड़ा ऐसा है आपस में लड़ाने का, इसकी बुराइयां मुझसे करी और मेरी बुराई ऐसे जा करेगी। और एक बहुत गलत प्रचार पूरे देश में करते हैं लोग, अरे हम किस घर में पैदा हो, किस धर्म के परिवार में पैदा हो, हम लोग तय करते हैं। कौन तय करता है? तो जिसका जन्म मुसलमानों में हो गया या ईसाइयों में हो गया या अनुसूचित जाति के परिवार में हो गया या जिला परिषद में हो, जिला सॉरी मतलब अनुसूचित हमारे आदिवासी भाइयों में हो गया या गरीब में हो गया अमीर में हो गया, ये कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? भारतीय संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है, एक व्यक्ति एक वोट, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये प्रचार करते हैं मुसलमान भाइयों को बदनाम करने के लिए कि भाई देखो सुनो, तुम समझो इस बात को, चंद्र सिंह जी समझो इस बात को, मुसलमान चार चार बीजी रखते हैं। कोई मुसलमान है यहां बताओ, कितनी बीजी है तुम्हारी? वे दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं, कितने बच्चे तेरे? तीन। तेरे कितने बच्चे? तीन। मेरे पास बात यह है कि जन वो कहते हैं प्रचार करते हैं इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदू धर्म खतरे में है, ये बहुमत में हो जाएंगे, हिंदू अल्पमत में हो जाएंगे, ये प्रचार करते ही नहीं करते हैं। करते ना, ये सरासर झूठ है। गरीब में, गरीबों में आर्थिक हालातों के वजह से और अनपढ़ लोगों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। अरे हमारे बाप दादा के समय भी दो दो चार चार आठ आठ दस दस हो जाते थे, हिंदुओं में भी होते थे, मुसलमानों में भी हो जाते थे, गरीबों में आज भी हो जाते हैं। लेकिन इस देश में जनगणना सन 31 से लेकर अंग्रेजों के समय से हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, ठीक है ना? और वो जनगणना 1951 जब देश फिर आजाद हुआ तब जनगणना हुई थी, उस समय हिंदुओं का राष्ट्रीय की जो संख्या है उसमें औसतन 3 से 4 बच्चे पैदा हो रहे थे उस समय, और मुसलमानों के 4 से 5 बच्चे पैदा हो रहे थे 1951 में। लेकिन धीरे 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 ये औसतन बच्चे पैदा कम होने शुरू हो गए, और अब 2011 के जनसंख्या
के आधार पर औसतन हिंदुओं के बच्चे 2.4 यानी कि 2 से 3 बच्चे और मुसलमानों का 2.8 यानी कि 2 और 3 के बीच। तो ये धीरे 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 बराबर की स्थिति बढ़ती जा रही है। जब देश आजाद हुआ था तब उनकी संख्या थी 14%, अब उनकी जनसंख्या है 16.5%, और 2028 में जाकर हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या जो बढ़ोतरी है वो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं होगी हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के औसतन। कई परिवार ऐसे जिनका एक ही बच्चा पैदा होता है, कई ऐसे परिवार जिनका कोई बच्चा ही पैदा नहीं होता, कई ऐसे परिवार जिनकी शादी नहीं होती। तो ये औसत की जो बात है, किसी हालत में इस देश में मुसलमानों का बहुमत हो ही नहीं सकता। मैं प्रमाण के रूप में सुन रहा हूं, इस पर बात बड़ी खोज हुई। जब भी आप दिल्ली आओ तो मुझसे किताब लेते जाना, मुफ्त दे रहा हूं, पढ़ो, जानकारी लो। देश में भाई आप भी तो मुस्लिम है, कितनी दीदी है आपके, एक बच्चे कितने हैं, ले बाबा। मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन आरएसएस के लोग जब मैं ये कह रहा हूं अब ये दुष्प्रचार करना शुरू करेंगे, मुझे गालियां देना शुरू करेंगे, सोशल मीडिया पे कहेंगे दिग्विजय सिंह मुसलमान हो गया, मुसलमान परस्त है, मुसलमानों की वैसा करता है। दिग्विजय सिंह ना तो मुसलमान परस्त है, ना हिंदू परस्त है, ना सिखाई सिख परस्त है, ना जैन परस्त है, मैं इंसानियत परस्त हूं। सारे धर्म इंसान को इंसानियत सिखाते, यानी कि अच्छा नागरिक कैसे बनो ये सिखाते, और यही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। आप उनका शिकागो में जो उन्होंने भाषण दिया था, आप सबसे मेरी प्रार्थना की जरूर पढ़िए सुनिए, उन्होंने कहा था सर्वधर्म संभाव यही सनातन धर्म का मूल आधार है।